हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। आज की न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज घर पर इनके बुआ जी और बच्चे आए हुए हैं, आज मैं उनसे मिलवाती हूँ। अभी श्रीता का 7वें नवरात्रि की पूजा अर्चना समाप्त हुई और अब पियेंगे चाय। देखिए अंशुल और आयुष खेल रहे हैं गेम। ये फोन में ही बिजी रहते हैं और तेजस भी इनके साथ खेलने के लिए आ गया है, ये भी गेम के चक्कर में ही है। और ये देखिए, ये दोनों लड़कियां अपनी पढ़ाई कर रही हैं, बेडशीट को अस्त व्यस्त कर रखा है। और ये होता है लड़के और लड़कियों में फर्क, ये दोनों पढ़ रही हैं, वो गेम खेल रहे हैं। श्रीता नहा धोकर बैठ गई है पूजा में। आज इसका 7वां नवरात्रा है, जिस देवी का नाम है कालरात्रि। तो आज कालरात्रि देवी की पूजा अर्चना की जाएगी और उसकी आरती की जाएगी। श्रीता ने पूजा अर्चना कर ली है और अब देगी सूर्य को अर्घ। कालरात्रि की पूजा अर्चना समाप्त हुई, अभी अपनी पथवारी को देगी पानी। देखिए आज जवारे कितने बड़े बड़े हो गए हैं और नवरात्रि तक तो ये बहुत बड़े हो जाएंगे। फिर इनको 9वें नवरात्रि पर पूजा अर्चना के बाद पीपल के नीचे इसको स्थापित कर दिया जाता है। नवरात्रि को सींच दिया है श्रीता ने, या तो पीपल के नीचे इनको स्थापित कर दिया जाता है या फिर पानी में बहा दिया जाता है, जैसे नहर वगैरह में। बाय। अब चाय पीते हैं। ये देखो बच्चे बड़े बिजी हैं, शर्मा भी रहे हैं, अपना फेस नहीं दिखा रहे अभी। अब श्रीता और इनके बुआ जी चाय पी रहे हैं। ये देखिए चाय की चुस्की ले रहे हैं भाई। कैसी है चाय? अच्छी है चाय, अच्छी बता रहे हैं भाई। अगर आपको भी पीनी है तो आ जाइए, आपको भी पिला देंगे। अगर नहीं आ सकते तो अपने घर पे चाय की चुस्की ले सकते हो। और मुझे भी चाय मिल गई है भाई। हमारी टीम कैसी लगी आपको, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बीच में हमारी ननद है, आपको पता? ये हमारी ननद है नीशु अंशुल की बुआ जी, और एक ही हैं ये, और अब दशहरे की छुट्टियों पे आए हुए हैं। अब बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ मौसमी का जूस। क्योंकि दोपहर का समय हो गया है, बच्चों को लग गई है भूख, तब उनको जूस पिला देते हैं। जूस बनके तैयार हो गया है और अब बच्चों को सर्व कर देते हैं। कैसा बना जूस? मस्त है और खट्टा भी है, तो मौसमी का तो खट्टा ही होगा भाई। क्या है अंशुल, आयुष? टेढ़े मेढ़े। अंशुल के पास भी टेढ़े मेढ़े। निशु के पास क्या है भैया? नमकीन। कौन सी है नमकीन? नींबू भुजिया। और तेरे पास भी टेढ़े मेढ़े बेटा, लगे रहो। वाह। अब मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।